सबसे पहले तो क्लाइमेटिक फैक्टर है कि अगर हमारी बारिश टाइम से हो रही है या टेम्परेचर प्रॉपर है तो अच्छी यील्ड होने के भी और क्वालिटी फ्रूट के भी चांसेस बने रहते हैं। अगर यही चीज बारिश प्रॉपरली, जैसे इस बार है कि बर्फ नहीं पड़ी है, कहीं ना कहीं चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हुई है, कैलकुलेट नहीं किया, ये नहीं कह सकते कि पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 7 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए कितना 1400 घंटे सेब के लिए, पर हमारे पास एप्पल में ऐसी भी वैरायटीज है जिनकी 300 भी है, 300, 400, 500, 600, तो अलग अलग तरह से है। तो इसीलिए आज की डेट में अगर हम बात करते हैं जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही है, तो उसमें हम जो है लो चिल वैरायटीज को हम प्रेफर कर सकते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा इस तरह की स्थिति भी बनी रहती है तो उसमें जो है हम लो चिल वैरायटीज लगा के हम प्रोडक्शन ले सकें। ये तो उसके बाद जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर आ गया, दूसरा पॉलिनेशन का आ गया। आज की डेट में पॉलिनेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात है कि कोई भी जो पॉलिनेटर्स हैं वो प्रॉपरली हमारे ऑर्चर्ड्स में, अगर हम पुराने ऑर्चर्ड्स देखें, नहीं लगे हैं। गोल्डन डिलीशियस होता था, रेड गोल्ड होता था, जो एक प्रोपोर्शन है कि 33% होना चाहिए, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होता गया उसके बाद आया कि 50% होना चाहिए, तो वो कहीं पे भी नहीं है। अब जब से गाला वेराइटीज आए हैं, गाला के डिफरेंट स्टेन्स आए हैं, तब से थोड़ा सा क्यों, क्योंकि वो एक ऑर्चर्डिस्ट की भी प्रॉब्लम थी कि गोल्डन था वो उतनी ज्यादा अच्छी बिकता नहीं था, तो इस वजह से जो है कि कम लगा के कि हम मेन वेराइटी को, पर कहीं ना कहीं हमने उससे भी एक वो बैलेंस नहीं बन पाया। आज की डेट में हमारे पास वैसी वेराइटीज है जिनकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, तो हम मैक्सिमम जो है वो गाला के स्टेन्स लगा के उनको पॉलिनेशन की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। पर इसमें जो है वही बात फिर से आगे कि क्लाइमेटिक फैक्टर इसमें भी बहुत रोल प्ले करते हैं। अगर लास्ट ईयर था जब फ्लावरिंग हुई, शायद बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब बारिश नहीं हुई और बर्फ नहीं पड़ी, तो सेटिंग बहुत अच्छी हुई, क्योंकि अगर उस टाइम पे टेम्परेचर 16 से नीचे जाता है तो बी एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। वैसे तो अब ऑर्चर्ड में बीज रह ही नहीं गई है, जो एक नेचुरली किसी टाइम पे होती थी पॉलिनेशन के लिए, वो आज की डेट में रह नहीं गई है। तो जो टेम्परेचर है, अगर 21 है जैसे 24 है एप्पल के लिए, अगर वो उतना है उस टाइम पे, तभी जो है वो अच्छी फ्रूट सेटिंग हो पाएगी। और अगर 16 से कम चला गया तो इवन बी एक्टिविटीज नहीं होगी, अगर तो और भी लो चला गया तो जो है वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। पर लास्ट ईयर के अलावा जो पिछले 2 सालों में प्रैक्टिकली देखा है, जहां पे गाला स्ट्रेन्स लगे थे और उसके मैक्सिमम है, और उसके साथ में जो है मेन स्टैंडर्ड वैरायटीज थी, तो वो उस कंडीशन में भी जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी सिंक्रोनाइजेशन बेस्ट रही है दूसरे के साथ, और उस कंडीशन में भी क्योंकि पोलिनाइजर ज्यादा मात्रा में थे, तो फिर भी सेटिंग हो पाई। तो इसलिए जो हमें वैरायटी का चुनाव है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और एक चीज मैं आज इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि जो ये एक वैरायटी की बहुत ज्यादा होड़ लगी है, कहीं ना कहीं इस चीज से आप लोग अपने आप को दूर रखें। पांचा जी ने बताया कि हमारे स्टेशन पे जो है हमारा एक फील्ड जीन बैंक है, जो प्लांट PVFRA द्वारा फंडेड है न्यू दिल्ली से। उसमें हमारे पास फील्ड जीन बैंक है जिसमें 286 वैरायटीज जो है एप्पल की हैं, और 79 हमारे पास पियर की हैं, और 50 जो है वो हमारे पास चेरी की वैरायटीज हैं। जब उन वैरायटीज को अगर प्रॉपर टाइम पे आप हार्वेस्ट करें, 5 वैरायटीज को यहाँ सामने रख दें, कोई भी साइंटिस्ट भी होगा वो भी, अगर वो फॉर एग्जाम्पल डिलीशियस ग्रुप की आप 5 रख दो, बहुत मुश्किल हो जाता है बताना कि एक्चुअल में ये कौन सी वैरायटी है।